लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1922 में महात्मा गांधी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करने का फैसला ले लिया। He felt that movement was turning violent. ऐसा वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका मानना था कि जो मूवमेंट था ये वायलेंट हो रहा था, यानी इस मूवमेंट में काफी हिंसा हो रही थी। जो सत्याग्रही थे वे अधिक वायलेंट हो रहे थे, वे अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे थे। सो ही अंडरस्टूड दैट सत्याग्रही नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड। उनका मानना था कि सत्याग्रही लोगों को और अधिक ट्रेंड करने की आवश्यकता थी। देयरफॉर दे वेंट टू बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल, ताकि वो मास स्ट्रगल के लिए तैयार किए जा सकें। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। इस समय तक कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स थे जो इस तरह के मास स्ट्रगल से बिल्कुल ऊब चुके थे, एंड दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कौन सी इलेक्शन हुआ करती थी? तो इट वाज प्रोविंशियल इलेक्शन। ये प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ करता था। ही हैड बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यह जो इलेक्शन का जो प्रोविजन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रावधान के अनुसार हो रहा था। दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर देयर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। इन लोगों का जो मानना था, ये लोग महसूस कर रहे थे कि ब्रिटिश पॉलिसी का अपोज काउंसिल में रहकर किया जा सकता है, उन्हें रिफॉर्म के लिए तर्क किया जा सकता है, और साथ ही साथ उन्हें यह बताया जा सकता है कि यह जो तरीका है शासन का वो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक नहीं है। हालांकि अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था को डेमोक्रेटिक बता रहे थे, यानी जनता के द्वारा चुना गया रूल बता रहे थे। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दे फॉर्म स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में ही एक दूसरा पार्टी बना लिया जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है, और उन लोगों का तर्क था कि वो काउंसिल के पॉलिटिक्स में वापस जाना चाहते हैं। बट जो यंगर लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, दे फोर्स्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। ये और भी अधिक बड़े लेवल के मास एजिटेशन के पक्षधर थे और वो रेडिकल मास एजिटेशन चाहते थे, यानी बाई फोर्स एंड बाई वायलेंस अपने स्वराज को प्राप्त करना चाहते थे। इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन टू फैक्टर्स अगेंस्ट शिफ्ट इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। तो इस तरह के सिचुएशन में जहां पर बिल्कुल डिबेट हो रहा था, असहमति की भावना थी, तो दो फैक्टर्स थे जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को 1920s के दशक में शिफ्ट किया था। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इनमें एक फैक्टर था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी पूरी दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर चल रहा था। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। 1926 ईस्वी के बाद से 1926 से प्राइस गिरना शुरू हुआ। किनका? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, और 1930 आते आते बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल द एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स का डिमांड घटता गया, इनके एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होने लगे। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट। अब किसानों को अपने फसल को बेचने में परेशानी हो रही थी, और फिर इसका परिणाम था कि वो रेवेन्यू भी पे नहीं कर पा रहे थे। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, और 1930 तक आते आते देहात क्षेत्रों में काफी टर्मोइल का सिचुएशन हो गया, काफी अस्थिरता आ गई। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन।
अब इसी बैकग्राउंड में टोरी गवर्नमेंट ने, जो कि अंग्रेजी सरकार को कहते हैं, टोरी गवर्नमेंट जो कि ब्रिटेन में थी, इसने एक एस्टिट्यूटरी कमीशन गठन किया और इस कमीशन का हेड बनाया सर जॉन साइमन को। आपने साइमन कमीशन के बारे में पिछले क्लासों में भी पढ़ा होगा। सेटअप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। क्या उद्देश्य था इसका? तो इस कमीशन का उद्देश्य था भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखना, उसमें रिफॉर्म के लिए सजेस्ट करना, उसमें बदलाव लाना। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय लोगों को उनका अधिकार देना नहीं था, बल्कि भारतीयों के द्वारा जो किए जा रहे प्रोटेस्ट थे उनको दबाना, उन्हें ऐसा करना ताकि वो विरोध न कर सकें। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। The problem was that the commission didn't have a single Indian member. सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि इस कमीशन में एक सिंगल व्यक्ति भी इंडियन नहीं था। They were all Britishers. ये सभी के सभी अंग्रेज थे। तो when Simon Commission arrived in India in 1928, जब 1928 में Simon Commission इंडिया में आता है, it was greeted with slogan "Go back, Simon." इसकी स्वागत कैसे होती है? साइमन गो बैक के नारे से इसका स्वागत होता है। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन दिस डेमोंस्ट्रेशन। साइमन कमीशन के विरोध के इस डेमोंस्ट्रेशन में मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, a Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and roundtable conference to discuss a future constitution. इस परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए और इस पर विजय प्राप्त करने के लिए लॉर्ड इरविन ने 1929 में एक वेग ऑफर दिया डोमिनियन स्टेटस का। उन्होंने अनस्पेसिफाइड फ्यूचर के बारे में बात कही और एक नए संविधान के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर डिस्कस करने का उसने ऑफर दिया। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई कांग्रेस लीडर्स। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इस ऑफर से कांग्रेस के लीडर सेटिस्फाई नहीं थे। The radicals within the Congress led by, अब कांग्रेस में जो रेडिकल्स थे जिनका लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के हाथ में था, दे बिकेम मोर असर्टिव। यानी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये काफी अधिक आक्रामक हो गए। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु आर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। ऐसे लोग जो उदारवादी थे, लिबरल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंतर्गत रह करके सुधार की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, अब इनका महत्व कम होने लगा, इनका प्रभाव कम होने लगा। इन दिसंबर 1929, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। 1929 के दिसंबर के महीने में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, यानी लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ जहां पर पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया, यानी फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी डिक्लेयर्ड एंड सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। यहां पर इन लोगों ने फैसला किया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहां पर लोगों ने यह शपथ ली कि वो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और ये तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि भारत को पूरी तरह से आजाद नहीं कर लेते। But the celebration attracted very little attention. लेकिन ये celebration जो था, इससे बहुत कम लोग ही attract हो पाए। So महात्मा गांधी had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issue of everyday life. अब महात्मा गांधी को इस बात से चिंता हो रही थी कि आखिर कैसे इस movement से अधिक लोगों को जोड़ा जाए।
फ्रीडम यानी आज़ादी के इस भावना से लोग बड़ी मात्रा में नहीं जुड़ पा रहे थे, तो उन्होंने आज़ादी के इस भावना को एक कंक्रीट इश्यू से जोड़ना चाहते थे जिससे सबको लाभ हो, ताकि उस लाभ को ध्यान में रखते हुए लोग इस मूवमेंट से जुड़ सकें। और इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, तो लेट अस सी 3.1 द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो महात्मा गांधी का एक फेमस मूवमेंट यहां होता है जिसको साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल्स दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी ने साल्ट में एक पावरफुल यूनिफिकेशन सिंबल देखने को मिला। महात्मा गांधी का मानना था कि नमक लोगों को यूनाइट कर सकता है, नमक देश में एकता स्थापित कर सकता है। ऑन 31 जनवरी 1930 को ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन को एक लेटर दे दिया। उस लेटर में 11 डिमांड्स थे, 11 डिमांड्स का लेटर। सम ऑफ दीज वर जनरल इंटरेस्ट, इनमें से कुछ जो थे वो सामान्य हित की बातें थी, अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स, और कुछ विशेष डिमांड्स भी थे जो डिफरेंट क्लासेस के थे, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। इसमें इंडस्ट्रियल क्लास से लेकर के पीजेंट्स तक सबके लाभ की बात सोची गई थी, ताकि लोग इससे जुड़ सकें। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि इस आइडिया को वाइड रेंजिंग बनाया जाए, बड़े पैमाने पर इस मूवमेंट को किया जाए। सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरी वन कुड बी ब्रॉट टूगेदर इन यूनाइटेड कैंपेन, ताकि भारत के हर व्यक्ति को एक साथ जोड़ा जा सके और उन्हें इस यूनाइटेड कैंपेन में एक साथ लाया जा सके। द मोस्ट एस्टेरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। जो ये 11 डिमांड्स थे, इन 11 डिमांड्स में जो एक सबसे महत्वपूर्ण डिमांड था वो था रिमूवल ऑफ टैक्स फ्रॉम सॉल्ट, यानी नमक पर से टैक्स को हटाना, एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। भारत में नमक के प्रोडक्शन पर केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, तो इसे समाप्त करना इस डिमांड के अंतर्गत था। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने कहा था कि नमक पर टैक्स लगाना और उस पर मोनोपोली एस्टैब्लिश रखना, ये अंग्रेजों का सबसे ऑप्रेसिव फेस था। महात्मा गांधी's लेटर was in a way ultimatum। महात्मा गांधी का यह लेटर अंग्रेजों के लिए एक प्रकार से चेतावनी था। If the demands were not fulfilled by 11th March, उन्हें क्या कहा कि अगर 11 मार्च तक ये डिमांड फुलफिल नहीं होता है, the letter stated the Congress would launch civil disobedience campaign। तो क्या होगा, कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देगी। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं था। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च कैंपेन। और इस तरह से जब वायसराय इरविन ने इनके मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो फिर महात्मा गांधी ने अपना फेमस साल्ट कैंपेन शुरू किया। द मार्च अकंपनीड बाय 78 ऑफ द ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सबसे विश्वासप्रद लोग इसमें शामिल थे। द मार्च वॉज ओवर 240 miles। यह मार्च कितनी दूरी की थी, 240 miles की थी। कहां से, फ्रॉम गांधीज आश्रम इन साबरमती टू गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडे। तो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक का ये सफर था। द वॉलंटियर्स वॉक्ड फॉर 24 days। ये जो वॉलंटियर्स थे 24 days तक वो वॉकिंग करते रहे, अबाउट 10 miles a day। प्रतिदिन 10 miles वो चला करते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी व्हेन ही स्टॉप्ड। महात्मा गांधी बीच बीच में जहां भी रुकते थे तो हजारों की संख्या में लोग आकर के यहां पर मिला करते थे।
and he told them what he meant by Swaraj and argued them to peacefully defy British. Mahatma Gandhi उन लोगों को स्वराज का मतलब समझाते थे और अंग्रेजों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की तरीके उन्हें बताते थे. On 6 April, he reached Dandi. महात्मा गांधी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ, और वहां पर जो नमक कानून को इन्होंने सेरेमनी के तरीके से तोड़ दिया, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. वहां पर समुद्र के पानी को बॉयल किया गया और नमक बनाया गया, और इस तरह से नमक पर बनाए गए अंग्रेजों के कानून को तोड़ दिया गया. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और यह जो घटना थी इसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है. हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन, यहां आप देख सकते हैं महात्मा गांधी का यह तस्वीर दिखाया गया है. वे महात्मा गांधी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ दांडी मार्च पर है. यहां पर बीच में आप महात्मा गांधी को देख सकते हैं. आखिर यह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंट था? तो नन कोऑपरेशन मूवमेंट में यह कहा गया कि हमें अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना है, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कानून को तोड़ने की बात कही गई थी. थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक सॉल्ट लॉ, देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से हजारों लोगों ने सॉल्ट के इस कानून को तोड़ा. दे मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, उन्होंने नमक बनाए, डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज. गवर्नमेंट के सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया. एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड. फिर वही हुआ, जब मूवमेंट तेज हुआ एक बार फिर फॉरेन क्लॉथ्स को बायकॉट किया गया. लीकर शॉप्स वर पिकेटेड, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई. पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, जो किसान थे वो रेवेन्यू देने से इनकार कर दिए, चौकीदारी देना बंद कर दिए. विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, जो विलेज के ऑफिशियल्स थे, विलेज लेवल पर जो अधिकारी थे, जो इंडियंस थे, उन्होंने रिजाइन किया. एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, बहुत सारे जगहों पर जो जंगल के कानून थे उनको लोगों ने तोड़ दिया. कैसे? गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट में इन्हें जाना मना था. लोग रिजर्व फॉरेस्ट में जाने लगे, मवेशियों को चराने लगे और जलावन की लकड़ियां कलेक्ट करने लगे. वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन. अब इस डेवलपमेंट से अंग्रेज काफी चिंतित हो गए और वे कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करने लगे. दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस. फिर क्या था? इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे जगहों पर वायलेंट क्लैशेस होने शुरू हो गए. व्हेन अब्दुल गफार खान अ डिवोट डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग. फिर क्या होता है? इस वायलेंस के दौरान खान अब्दुल गफार खान को, जो महात्मा गांधी के डिसाइपल थे, उन्हें 1930 के अप्रैल में अरेस्ट कर लिया गया. इनके अरेस्ट से लोग नाराज हो गए और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पेशावर की गलियों में आ गई, पेशावर की सड़कों पे आ गई. हालांकि ये आर्मर्ड कार के सामने से गुजर रही थी, पुलिस फायरिंग को उन्होंने फेस किया, बहुत सारे लोग मारे गए और एक तरह से बहुत बड़ी हिंसा यहां देखने को मिली. अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड. फिर क्या होता है? एक महीने के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है. अब इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ सोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट. तो सोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वे पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिए, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक कर दिए, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, कोर्ट को और रेलवे स्टेशन को भी उन्होंने निशाना बनाया. ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों के जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ भी थे, जो भी प्लेसेस थे जहाँ पर अंग्रेजों के ऑफिस हुआ करते थे, उन सभी जगहों पर अटैक किए गए.
frightened, गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। सरकार डर गई थी और इस डरी हुई सरकार ने ब्रूटल रिप्रेशन का फैसला लिया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड। शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे लोगों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर अटैक किए गए, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को बुरी तरह से पीटा गया। लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। एक बार फिर महात्मा गांधी अपने इस मोमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन। और इरविन के साथ एक पैक्ट में अपनी सहमति दे देते हैं ऑन 5 मार्च 1931। और ये 5 मार्च 1931 की घटना है, बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट। इस पैक्ट को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसका पहले कांग्रेस ने बायकॉट किया था। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू गो टू लंदन टू अटेंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जब महात्मा गांधी तैयार हो गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो अंग्रेजों ने जो प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी 1931 के दिसंबर में लंदन जाते हैं। बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन। लेकिन वहां पर नेगोशिएशन फेल हो जाता है एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। और नाखुश होकर के, डिसअपॉइंटेड होकर के वे इंडिया पहुंच जाते हैं। And back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. जब महात्मा गांधी यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर दमन का एक नया चक्र शुरू कर दिया था। गफार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर पुट इनटू जेल। जो महात्मा गांधी ने देखा कि खान, अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में बंद कर दिया गया था। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बायकॉट्स। मीटिंग्स को, डेमोन्स्ट्रेशंस को और बायकॉट को रोकने के लिए बहुत सारे नए नए कानून और तरीके थोप लिए गए थे। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। फिर महात्मा गांधी ने इन चीजों को समझा और बड़े पैमाने पर सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को उन्हें फिर से लॉन्च किया। फॉर ओवर 1 ईयर, 1 साल तक द मोमेंट कंटिन्यूड। यह मोमेंट चलता रहा बट 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। लेकिन 1934 आते आते इस मोमेंट ने अपना मोमेंटम खो दिया।